तो नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं यूपी बोर्ड में 10वीं क्लास में पास होने के लिए आपको कितना नंबर लाना होगा। ओके, यानी 10th क्लास का पासिंग मार्क्स क्या है यूपी बोर्ड का 2024 में। जो भी बच्चे 2024 में पेपर देने वाले हैं यूपी बोर्ड का, उनको ये जानने का बहुत ज़्यादा मन कर रहा था कि हमें ये बताइए आप कि यूपी बोर्ड में 10वीं क्लास में पास होने के लिए हमको कितना नंबर लाना पड़ेगा। तो मैं आपको बताने वाला हूँ यूपी बोर्ड में 10वीं क्लास में पास होने के लिए कितना नंबर लाना पड़ेगा। तो आइए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल MD सपोर्ट पर। ओके, तो अगर आप 10वीं और 12वीं क्लास में है ना, तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसमें आपको 10वीं और 12वीं से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है। तो अगर बात की जाए 10वीं में पास होने के लिए कितना नंबर लाना होता है, तो देखिए दोस्तों, आपको 10वीं क्लास में पास होने के लिए 33 नंबर लाना होता है। ओके, अगर आपका 100 नंबर में से पेपर हो रहा है ना, तो आपको 33 नंबर लाना होगा। ये भी नहीं कि आप जो है 33 के 33 ही लेके आए, कम से कम 34 या 35 लेके आए, ताकि आपको बुरा भी ना लगे। ओके, बाय द वे आगे 33 भी तो आप 33 नंबर से पास हो सकते हैं। और जिन बच्चों का 70 नंबर का पेपर हो रहा है, 70 नंबर में से 23 नंबर पास होने के लिए लाना पड़ता है। तो ये था पासिंग रूल्स। ओके, और देखिए दोस्तों, यानी कि मैं स्पष्ट ये कहना चाहता हूँ ना कि आपको पास होने के लिए 33% लाना होगा। 70 नंबर का पेपर है तो 23 नंबर, 100 नंबर का पेपर है तो 33 नंबर ईच सब्जेक्ट में पास होने के लिए आपको लाना होगा। तो ये था यूपी बोर्ड का पासिंग रूल्स। आई होप आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो। सो थैंक्स।